हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज आपके लिए लाई हूँ कुछ फास्ट टिप्स। घर के खर्च अचानक बढ़ने लगे और जमा पूंजी घटने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। इस स्थिति के पीछे घर की बिक्री हुई वास्तु स्थिति भी हो सकती है, इसलिए समय रहते ही इस समस्या को दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। घर में जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, यानी नेगेटिविटी का प्रवेश होता है, तब कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं, अकारण ही घर खर्च भी बढ़ने लग जाता है। जब अकारण घर खर्च बढ़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। कभी कभी कुछ लोग इस समस्या को समझ नहीं पाते और निरंतर इस समस्या में घिरने लग जाते हैं। कभी कभी इसका गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। हालात और भी पद से बदतर होती जाती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ टिप्स जो बता रही हूँ उनको फॉलो भी कीजिए। घर में अचानक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, इसके लिए घर में होने वाली छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते और जिनके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है बाद में। इसलिए इन बातों पर ज़रूर गौर करें और सबको करने को भी कहें। सोने से पहले बर्तनों को ज़रूर साफ करें। गंदे बर्तन भी नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा कारण होता है। जिस घर में रात को सोने से पहले गंदे बर्तनों को साफ नहीं किया जाता, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाता है, जिस कारण दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें आने लगती हैं। घर की सदस्य की तबीयत अचानक खराब हो जाती है या फिर दवा काम नहीं करने लगती, जिस कारण अचानक ही घर की बर्बादी आरंभ होने लगती है। मकड़ी के जाले घर पे बनने से भी घर की बर्बादी आरंभ होने लगती है। मकड़ी के जाले लक्ष्मी माता को बिल्कुल भी नहीं पसंद और इसलिए ऐसे घरों में लक्ष्मी प्रवेश करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए समय समय पर मक्खियों के जाले को साफ करते रहना चाहिए। पानी का टपकना घर की हानि की निशानी है। घर के किसी भी स्थान से यदि पानी टपकता है तो ये गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। घर में नल या किसी भी पाइप से पानी टपकता है तो इस दिक्कत को फौरन दूर करना चाहिए। पानी का टपकना खर्चों में वृद्धि का कारक होता है, इसलिए पानी का टपकना सिर्फ नहीं माना जाता। घर में दरवाजे के पास सूर्यक ना रखें। कुछ लोग तो घर के मुख्य दरवाजे के पास ही सूर्यक रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे गलत माना गया है। घर के मुख्य दरवाजे पे सूर्यक होने से धन की हानि होती है, घर में पैसा नहीं टिकती है, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होती है। ध्यान रखने वाली बात, सूर्य एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे आने जाने पर लोगों की नज़र ना पड़े। और एक विशेष ध्यान रखने वाली बात, घर में टूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि घर में टूटे बर्तन रखे हैं या फिर घर के सदस्य उनका किसी भी कारण प्रयोग करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। टूटे बर्तनों के कारण भी खर्चों में वृद्धि होती है, इसलिए घर में टूटे बर्तन ना रखें। रात को खाने के बाद किचन में कपूर की आरती जरूर करें, इससे धन में वृद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। बेडरूम में कपूर की कोन जरूर रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपको नेगेटिव फील नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड बेल आइकन को दबाना भी भूलना मत, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।